के मामले में पार्षद प्रत्याशी कोमल मेहता के खिलाफ पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई के खिलाफ भीलवाड़ा जिले के कद विभिन्न क्षेत्र में सकल हिंदू समाज द्वारा बंद का आह्वान किया गया, जिस पर मांडल भी बंदू रहा और राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी मांडल को ज्ञापन दिया गया। वहीं पूर्व मंत्री गुर्जर ने चेतावनी देते हुए जिला प्रशासन की चेताया कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मेहता के खिलाफ दर्ज मुकदमे को खारिज किया जाए, अन्यथा बखेड़ा बढ़ जाएगा जिसकी समस्त जवाबदेही जिला प्रशासन को देनी होगी। एक बच्ची जो मेहता है उसने एक भाषण दिया और उसमें कोई ऐसा कोई खास ऐसा कोई आपत्तिजनक शब्द भी नहीं कहा। केवल उसने यही कहा कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे उन लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। उस बात को लेके जिला प्रशासन ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कल सुबह उसको गिरफ्तार कर लिया और उसका जो है कोर्ट में जेसी करवा दिया। हिंदू समाज की मांग यही है कि इस तरह का अगर हिंदुओं के साथ दमनकारी नीति सरकार अपनाएगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका विरोध आज जिला बंद करके हम कर रहे हैं। और अब खबर रामगढ़ से है, जहां पर पुलिस ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि खिलौरा के सड़क किनारे पर एक व्यक्ति प्लास्टिक कैन में अवैध हथकर शराब बेच रहा है। एक्साइज एक्ट की कार्रवाई के लिए मुखबिर की सूचना पर गांव खिलौरा में पुलिस पहुंची, जहां देखा गया कि एक व्यक्ति प्लास्टिक के कैन से शराब बेच रहा था। पुलिस ने घेराबंदी कर व्यक्ति को धर दबोचा, जिसके बाद से मौके पर बरामद प्लास्टिक कैन को चेक किया गया तो उसमें 25 लीटर अवैध हथकर शराब पाई गई। पुलिस कार्रवाई में पूछताछ के दौरान गिरफ्तार मुलजिम ने अपना नाम कैलाश पुत्र रुड़ाराम, उम्र जिसकी 29 साल, निवासी है खिलौरा जाति मेघालय मेघवाल, उम्र 62 होना बताया। दोहलीवास पहुंचे तो मुखबिर खास ने सूचना दी कि खिलोरा में एक व्यक्ति अवैध हथकर शराब बेच रहा है। जिस पर हम खिलोरा पहुंचे तो एक व्यक्ति अवैध हथकर शराब प्लास्टिक कैन को बेवर्दी पुलिस देखकर भागने लगा, जिसको रोककर जरकिन में देखा, चेक किया तो अवैध हथकर शराब करीब 25 लीटर मिली। और अब खबर सिकंदरा से है, जहां पर सिकंदरा के नेशनल हाईवे 21 मानपुर रोड पर स्थित डाबर ढाड़ी के पास ओवरब्रिज पर बाइक सवार दो युवकों को पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गिजगढ़ निवासी कानू राजपूत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक कमलेश राजपूत निवासी बिंदरवाड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया। कार चालक घटनास्थल पर कार छोड़कर फरार हो गया। घटना स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। हादसे में बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। लोगों ने 108 एम्बुलेंस की सहायता से घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जबकि मृतक के शव को सिकंदरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। अभी के लिए फिलहाल इस